जय मसीह सभी को। चलो बहुत अच्छा लगा आज जो भी जुड़ चुके हैं, हम आशा करते हैं और भी लोग बहुत जल्द जुड़ेंगे। और आज की जो शिक्षा है जो हम ले रहे हैं अभिषेक के बारे में, एक बहुत अच्छा विषय है जो बाइबल से सीखना चाहिए। और अगर हम इसको जितना जान जाएंगे इस सत्य को, तो हम बड़े आराम से एक ऐसा जीवन जी भी बिता सकते हैं जो एक उन्नति का जीवन होगा। मेरा ये मानना है कि हर विश्वासी इस अभिषेक को पाता है। चलिए उससे पहले कि हम विषय में जाएं, हम छोटी सी एक प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद देता हूँ कि तू जीवता परमेश्वर है, तू लोगों के बीच में जीवित है और तू चाहता है कि हम एक एक जन तेरे इस आशीषित वचन को, इस चीज़ों को समझें, इस चीज़ों को पढ़ें, जाने वचन के अनुसार कि अभिषेक क्या है और कैसे कार्य करता है। प्रभु तेरा धन्यवाद देता हूँ खुदावन, तू गुजरे दिनों में भी तूने जो शिक्षाएं दी उससे हम आशीषित हुए वचन के द्वारा। खुदावन हम धन्यवाद देते हैं इस विषय के लिए। और आज जब हम वचनों को देखते हैं खुदावन, तू हमसे बातचीत करेगा। पवित्र आत्मा तू मुझ पर कब्जा करा हुआ है, तू अपने मेरे कंठ से बोलेगा और जीभ से बोलेगा और इस्तेमाल करेगा ताकि एक अच्छा विषय, एक अच्छा अध्ययन हो सके, इससे लोग लाभान्वित हों, आशीषित हों। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमेन। चलिए तो देखते हैं अभिषेक क्या है। अभिषेक का शब्द है हिंदी में, एक और जो चीज बोलते हैं मसा हुआ, अर्थात यीशु मसीह, जो मसीह शब्द है उसका मतलब है मसा हुआ। तो जो अभिषेक है उसका विशेष अर्थ जो है वो है यीशु मसीह की आत्मा, अर्थात पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर वास करना। पुराने नियम में पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा लोगों पे आकर रहता था कुछ समय के लिए और कई बार हटा दिया जाता था। तो अभिषेक आता था और चला भी जाता था। और नए नियम में आकर हम पाते हैं कि अब परमेश्वर का अभिषेक हमारे साथ ही नहीं रहता, परंतु हमारे अंदर रहता। और अभिषेक महसूस नहीं किया जा सकता, ना देखा जा सकता है। ध्यान रखें, अभिषेक महसूस नहीं किया जा सकता है, ना देखा जा सकता है, परंतु विश्वास किया जाता है। हाँ, अभिषेक आने के बाद अभिषेक से एक सामर्थ निकलती है, जो परमेश्वर की सामर्थ बोलते हैं, उसे हम महसूस कर सकते हैं और प्रकटीकरण के रूप में देख सकते हैं। ठीक है ना? तो सामर्थ अलग चीज है, अभिषेक अलग चीज है। अभिषेक कब होता है? नए नियम में आकर जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, जब हम दूसरा कुरिन्थियों 5:17 पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 5:17 खोलेंगे और पढ़ेंगे, यहां यूं लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है, अर्थात मसीह में मतलब अभिषेक में है, तो वे नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई। तो जो नया जन्म जो बाइबल में लिख रखा है, जिसके बारे में यीशु मसीह ने भी योहन्ना 3 में बड़ा स्पष्ट बोला कि जब तक तुम नया जन्म नहीं पाओगे तो परमेश्वर के राज्य में नहीं दाखिल हो सकते, और जब तक तुम आत्मा और जल से नहीं जन्मोगे तो तुम अभिषेकित नहीं हो। तो अभिषेक कुछ नहीं है, यीशु की आत्मा ही अभिषेक है। अगर हम यीशु की आत्मा को जब हमारे अंदर पाते हैं, अर्थात हमारे उद्धार में, तब ये अभिषेक कहाँ पे आ जाता है? हमारे अंदर। जैसे मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि पुराने नियम में ये अंदर नहीं आ पाता था, क्योंकि यीशु मसीह उस टाइम तक मरा नहीं था, जिया नहीं था हमारे लिए, और इसके कारण हम उस चीज को होता हुआ नहीं देखते थे। परंतु आज नए नियम में आकर हम इस अभिषेक को बड़े आसानी से उद्धार के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। किसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? उद्धार के द्वारा, है ना? अब बात आती है,
जब हम उद्धार नया जन्म पाते हैं तब ये अभिषेक हमारे अंदर स्थापित हो जाता है, और इस अभिषेक के आने से सात चीजें प्रकटीकरण के रूप में उसके अंदर आएगी जिसने इस उद्धार को पा लिया, अभिषेक को पा लिया। पहली चीज जो होती है, हम यीशु मसीह के गवाह बन जाते हैं, अर्थात हमारे अंदर ऐसी तत्परता आती है कि हम यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताने के लिए तत्पर हो जाते हैं। मैं इसके लिए सब बातें बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जब 1998 में, उससे पहले मैं ईसाई धर्म में जरूर चल रहा था, ईसाई था, मतलब मसीह हुआ और उद्धार पाया, सबसे पहले चीज मेरे अंदर ये देखी मैंने कि मैं यीशु मसीह के लिए गवाही देने के लिए तत्पर हो गया। और मैं उस जमाने में बहुत जगह जा जाकर गवाही देता था कि यीशु मसीह ने मुझे बचा लिया है, मैंने उद्धार पा लिया और मेरे अंदर यीशु मसीह की शांति स्थापित हो गई है। दूसरी चीज जो ये अभिषेक लाता है वो है, आप वचन के लिए बहुत भूखे हो जाओगे, अर्थात भूखे मैंने वचन पढ़ने के लिए, समझने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए तत्पर हो जाओगे। ये दूसरी चीज जो ये अभिषेक लाती है, अर्थात यीशु मसीह की आत्मा, पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर वास कर देती है तो हमारे अंदर सबसे पहले यीशु की गवाही के लिए, दूसरी चीज जो सबसे पहले जो प्रकट होती है वो है, हम वचन के लिए भूखे हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया था, मैं ईसाई होते हुए भी 40 साल की उम्र तक मैं वचन नहीं पढ़ता था, मुझे कुछ नहीं पता था नया नियम क्या है, पुराना नियम क्या है। परंतु जैसे ही मैंने 1998 में प्रभु को विश्वास किया, ग्रहण किया, मैं तत्पर हो गया। और सितंबर की बात है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के अंदर मैंने पूरी बाइबल का एक बार पूरी रूप से पढ़ भी लिया। ये मैंने अपने अंदर देखा, जैसे ही परमेश्वर का अभिषेक, मसीह का अभिषेक जो आता है तो हम कैसे हो जाते हैं, वचन के लिए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जब आपके अंदर आ गया तो यीशु मसीह स्वयं वचन है। जैसे सुसमाचार योना एक में लिखा है, आदि में वचन था, वचन पर एक का एक में ये लिखा था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन स्वयं परमेश्वर था। तो ये चीज अपने आप आएगी आपके अंदर कि जब ये अभिषेक को पाओगे तो वचन के लिए आप भूखे हो जाते हैं, बहुत ज्यादा आप वचन पढ़ने लगेंगे, सोचने लगेंगे, समझने लगेंगे, अध्ययन करेंगे। तीसरी चीज, जैसे ही अभिषेक आएगा तो आपकी प्रार्थना की जो जीवन है वो बदल जाता है, आप बहुत तत्पर हो जाते हैं जो बीमार है उनके लिए प्रार्थना करने के लिए। चलते फिरते कहीं पे भी जो भी दिख गया तो हम कोशिश करते हैं कि जो बीमार लोग हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें। ये एक बहुत बड़ा चीज मैंने भी अपने जीवन में देखी। जब पहले मैं था कुछ नहीं आता था मेरे अंदर, ऐसे जब ईसाई था तो मैं कुछ नहीं लगता था कि भाई प्रार्थना करें किसी के लिए, बल्कि अपने लिए नहीं प्रार्थना करते थे चंगाई की। अब जैसे ही हम प्रभु में अभिषेक आया तो क्या हुआ, लोगों के चंगाई के लिए प्रार्थना करने। चौथी चीज जो आएगी आपके अंदर, आप छुटकारा के लिए कार्य करने लगेंगे। लोग जो दुष्ट आत्माओं से भरे हुए हैं, दुष्ट आत्माओं के कारण बीमार है, जैसे प्रेरितों 10:38 बताता है किस प्रकार से प्रभु ने यीशु मसीह जो नाजीर था उसको अभिषेकित किया, ऐसे ही लिखा है ना, पढ़ते एक बार इसको, बड़ा अच्छा आया था, पढ़ के देखते हैं। प्रेरितों के काम 10 का और 38 कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। देखिए दो चीज लिखी है ना, पवित्र आत्मा और सामर्थ। आत्मा तो अभिषेक लाता है, अभिषेक से फिर एक सामर्थ परमेश्वर की निकलती है जो कि होनी चाहिए। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। तो ये चीज आप देखेंगे कि जैसे ही अभिषेक आएगा तो आप लोग जो परेशान, शैतान से परेशान है, दुष्ट आत्माओं से परेशान है, उसके छुटकारा के लिए आप कार्य करने लगे। और ये चीज बहुत मैंने अपने जीवन में भी देखी, जैसे ही मैंने इस अभिषेक को पाया तो मैंने ये कार्य बड़े आसानी से करना शुरू कर पाया। पांचवी चीज हम देखते हैं,
आप भविष्यवाणियां करने लगे। मैं आपको सही में बता रहा हूं, जैसे अमर के लिए मैंने भविष्यवाणी करी है कि ये निस्संदेह चंगा होगा, ये भविष्यवाणी है मेरे मुंह से जैसे आपके, और इसके लिए क्योंकि परमेश्वर आया इसी के लिए ताकि हम चंगा हो सके। अमीन है अमर, अमीन। तो इस ये चीज जो है ये आप लोगों के लिए भविष्यवाणियां करने लग जाओगे। आप जनरल भविष्यवाणी अक्सर कर सकते हैं कि परमेश्वर सबको बचाना चाहता है, आप उद्धार पा सकते हैं, ऐसी चीज वचन के अनुसार आप बोलने वाले हो जाओगे। और जैसे क्योंकि परमेश्वर का विश्वास कैसे प्रकट होता है, जब हम बोलते हैं, और क्या बोलना चाहिए, जो हम देखना चाहते हैं वो बोलने वाले हो जाएंगे। तो ये एक अभिषेक की एक क्वालिटी है, एक अभिषेक के अंदर ये चीज है कि हम फिर जो परमेश्वर बोलता है वैसी चीजें बोलने वाले हो जाते हैं। अच्छा लगा। अब एक छठी चीज देखते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह की स्तुति और महिमा करने वाले हो जाएंगे, क्योंकि अभिषेक पाने पे ही ये संभव होता है। पढ़ के देखते हैं योहन्ना 4, सुसमाचार योहन्ना 4 को खोलते हैं और हम चल रहे हैं 24 में। यहाँ लिखा है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करेंगे। स्तुति और महिमा करने वाले किस में करेंगे? आत्मा और सच्चाई में। परमेश्वर का अभिषेक जब हमारे अंदर आता है तो हम क्या करने वाले हो जाते हैं? पिता परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति और महिमा करने वाले होते हैं। मैं पहले जैसे यीशु मसीह की जय, प्रभु की जय ये कभी नहीं बोलता था, जैसे ही इस अभिषेक को पाया तो ये बड़े आसानी से बोलने वाला। इसके बारे में एक जगह से और पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों हम पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 12 खोल रहे हैं और यहाँ लिखा है तीन पढ़ रहा हूँ, पहला कुरिन्थियों 12:3। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, अर्थात अभिषेक में बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु शापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। देखिए बड़ा स्पष्ट है, यीशु प्रभु है। कब आएगा? जब हमारे अंदर प्रभु के अभिषेक, प्रभु की आत्मा, यीशु की आत्मा, पवित्र आत्मा का अभिषेक जब हम पाते हैं तो क्या करने वाले हो जाते हैं? प्रभु की महिमा और स्तुति करने वाले हो जाते हैं। दाऊद प्रभु की आत्मा पाया हुआ व्यक्ति था तो क्या करता रहता था? स्तुति और महिमा करते। पुराने नियम में भी आप देख लीजिए, जिस जिसके ऊपर आत्मा का अभिषेक आया वो स्तुति और महिमा करने वाला हो गया। तो ये और सातवीं चीज जो ये अभिषेक का एक प्रकटीकरण होता है कि हम जयवंत हो जाते हैं, हर क्षेत्र में उन्नति पाने लगते। यहाँ तक कि पुराने नियम में तो ये वादा हमारे लिए किया गया था। पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 28 में देखते हैं इसको। यहाँ देखते हैं 12 से पढ़ रहा हूं मैं। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाए करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा और यहोवा तुझको पूछ नहीं, तेरहवीं आयत पढ़ रहा हूं, किंतु सर ही ठहराए। देखिए यहाँ बड़ा अच्छा लिख रखा है, सर ही शब्द समझते हैं, अर्थात इसके अलावा और कोई चीज हो ही नहीं सकती इस अभिषेक पाने के बाद। कि यहोवा सिर ही ठहराएगा और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा, यदि परमेश्वर यहोवा आगे जो भी है। या अब यहाँ पे आकर आप चिंतित हो सकते हैं कि मैं यहोवा की आज्ञाओं को पूरा कर रहा हूँ कि नहीं। ये आज्ञाएं अब किसने हमारे लिए पूरी कर दी? यीशु मसीह ने, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए सारी आज्ञाओं को पूरा कर दिया। तो आज ये आशीष को हम इस अभिषेक से बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ बात समझ में आई कि अभिषेक एक क्या बदलाव लाता है हमारे जीवन में। पहली चीज कि हम यीशु के गवाह हो जाते हैं, दूसरी चीज हम वचन में बहुत लौलीन हो जाते हैं, पढ़ने लगते हैं, सीखने लगते हैं, हम बीमारों के लिए प्रार्थना करने लगते हैं जो बंधनों में है, दुष्ट आत्माओं के द्वारा बंधनों में, उनके लिए हम छुटकारा का कारण बनते हैं। ये सब किसके कारण होता है?
अभिषेक के कारण, और हम जो है भविष्यवाणियां करते हैं, परमेश्वर के वचन को लोगों के जीवन में बोलते हैं, और आगे लिखा है जो बताया था मैंने, हम प्रभु की स्तुति और महिमा आत्मा और सच्चाई से कर पाते हैं और जयवंत होते जाते हैं। यीशु मसीह ने कहा जो मुझ में है वो जयवंत से बढ़कर है, अर्थात मसीह का जब अभिषेक आता है हमारे अंदर तो हम जयवंत से बढ़कर भी जयवंत है। ये रोमियो 8 में लिख रखा है, फिलिपियों में बड़ा अच्छा लिख रखा है, फिलिपियों 4 का 13 जब हम पढ़ते हैं इस अभिषेक के बारे में तो वहां लिख रखा है फिलिपियों 4 और उसका 13, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये फायदा होता है इस अभिषेक से कि हम जो नहीं कर सकते थे वो चीजों को भी बड़े आसानी से करने वाले हो जाते हैं। तो यहाँ चीज समझ में आती है कि अभिषेक एक बहुत जरूरी चीज है। ये अभिषेक दिखता नहीं है, ये अभिषेक महसूस नहीं किया जाता है, ये हमारे अंदर आता है कब, हम जब उद्धार पाते हैं। देखिए जब हम हाथ रखें और दुआ करते हैं तो लोग चंगे हो सकते हैं, तो वो अभिषेक नहीं है, वो परमेश्वर की सामर्थ्य। हम जब हाथ रख के उसके नाम से दुष्ट आत्मा को बोलते हैं वो भागते हैं निकलते हैं, वो क्या है, वो परमेश्वर की सामर्थ्य कार्य कैसे कर रही है, अभिषेक के द्वारा ही। मगर अगर आप हाथ रख के किसी के सर पे हाथ रख के दुआ करो कि ये उद्धार पाले, नहीं हो सकता, क्योंकि उद्धार तो स्वयं अभिषेक है, अर्थात यीशु मसीह को ग्रहण करना, वो उसका व्यक्तिगत निर्णय है व्यक्ति का। यदि वो मुख से यीशु मसीह को प्रभु जान के अंगीकार करे और मन में विश्वास करे कि वे मेरे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, तब उद्धार पाता है, तब वो अभिषेक पाएगा, ठीक है ना। और ये सुसमाचार को सुनने से आता है, और सुसमाचार हम पहले इस बुद्धि से सुनते हैं, अर्थात उसको बोलते हैं लोगोस वर्ड, और जब वो हमारे मन से अंदर हृदय तक जाता है तब रहमा टाइप होता है, वो पवित्र आत्मा का काम है, वो अभिषेक का काम है, जिसके कारण हम फिर यीशु मसीह को बड़े आसानी से अपना उद्धार करता प्रभु ग्रहण करते हैं, अंगीकार करते हैं, और तब हम इस अभिषेक को अपने हृदय में पाते हैं, अर्थात यीशु की आत्मा जो हमारे हृदय में आती है, जैसा कि गलतियों 4:6 में लिख रखा है। देखते हैं गलतियों 4:6 को पढ़ के, बड़ा अच्छा लिखा हुआ है वहां पे, गलतियों 4:6 यूं लिखा है, और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को जो है अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदय में भेजा है। तो ये अभिषेक कहाँ आता है, हमारे हृदय में आता है। इस अभिषेक से परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर से कार्य कर पाती है, ये सत्य है, क्योंकि अभिषेक जो है वो जुओं को तोड़ने के लिए सामर्थ्य है। पढ़ते हैं इसको भी यशाया में, यशाया खोली हमें साथ, यशाया 10:27 पढ़ रहा हूँ मैं, शायद 27 में होगा, बोलते हैं पढ़ते हैं। हाँ, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। किसके कारण? अभिषेक के कारण। तो ये अभिषेक की सामर्थ्य, अभिषेक जब हमारे अंदर आता है तो एक सामर्थ्य निकलती परमेश्वर की जिससे जुए टूटते। तो ये बहुत मुख्य कारण है कि हमारे को उद्धार, इसके कारण ये अभिषेक हमको मिलता है, लेना चाहिए, और उसके कारण हम इन कार्यों को करने वाले बड़े आसानी से हो जाते हैं, है ना। यहाँ समझ में आता। अब देखते हैं तो पहली चीज जो है जो कुछ शिक्षकों ने और लोगों जो बाइबल को सिखाते हैं उन्होंने अभिषेक को भी 3 प्रकार का अभिषेक बाइबल में बताया गया है। सबसे पहला तो है कोड़ियों का अभिषेक, लेपर्स अनॉइंटिंग बोलते हैं, ये वो है जबकि हम उद्धार पाते हैं, समझे। ये लेव व्यवस्था 14 में लिखा हुआ भी है, जब कोड़ियों को जब शुद्ध किया जाता था, उसके बारे में पूरी चैप्टर है, उसको पढ़ने से समझ में आएगा आपको। तो ये क्या है अभिषेक, ये हमारे को हमारी आत्मा को परमेश्वर की आत्मा से एक करता है, अर्थात हमारा उद्धार, हमारा नया जन्म, जिससे अभिषेक पहले जो हमारे साथ था अब कहाँ आ जाता है,
हमारे अंदर आ जाता और ये नए नियम में आकर ही संभव था, पुराने नियम में नहीं हो पाता था, क्योंकि उस टाइम यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा नहीं गया, गाड़ा नहीं गया, तीसरे दिन यही उठा था। तो नए नियम में आकर हम देखते हैं कि अभिषेक हमारे अंदर आता है, इसको कोड़ियों का अभिषेक, कोड़ का अभिषेक भी बोलते हैं, जिससे एक पापी को पवित्र ठहरा दिया जाता है, धर्मी ठहरा दिया जाता है इस अभिषेक से, और इसके अंदर वो सामर्थ आ जाती है। ये अभिषेक जब बाइबल में अगर एक तरह से देखें तो पहला सैमुएल पढ़े हम, पहला सैमुएल खोली मेरे साथ, और 16 का शायद 13 होगा, पहला सैमुएल 16 और 13, ये दाऊद के बारे में लिख रखा है। तब सैमुएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य से उसका अभिषेक किया, अर्थात दाऊद का अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब सैमुएल उठकर रामा का चला गया। और आप जानते हो इस अभिषेक को प्राप्त करने से आप शैतान के साथ मुकाबला कर सकते हो और मार सकते हो। ऐसा ही दाऊद ने एक बच्चे के रूप में इस अभिषेकित व्यक्ति दाऊद ने क्या कर दिया, उस फिलिस्तीन गोलियत को मार गिराया था। ये एक फायदा होता है इस अभिषेक से, इस उद्धार से हमारे अंदर ये सामर्थ आती है कि हम बड़े आसानी से शैतानी ताकत का मुकाबला करने वाले हैं। अभी ये राजा नहीं बना था दाऊद, खाली अभिषेकित हुआ था, और इसके द्वारा शैतान को ये लड़ने के लिए, तो इसी के लिए जैसे लिखा था ना नए नियम में भी, जब याकूब में पढ़ते हैं 4:7 में, परमेश्वर के अधीन है जाओ और शैतान का मुकाबला करो, निश्चय ही तुमसे दूर भागेगा। ये फायदा है पहले अभिषेक से, इससे उद्धार मिलता है, इससे हम आत्मा में परमेश्वर की आत्मा के साथ संगति करने लगते हैं बड़े आसानी से, ये हमारा रिश्ता जोड़ता है, मेल मिलाप करता है अभिषेक हमारा परमेश्वर के साथ। और जैसा पहला कुरिन्थियों 6:17 में लिख रखा है, हम जो प्रभु में से संगति करता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो ये अभिषेक क्या करता है, हमारी आत्मा को नया कर देता है, नई सृष्टि कर देता है, जैसा दूसरा कुरिन्थियों 5:17 की पहली आयत मैंने बताया, जो मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें जाती रही, सब कुछ नया हो गया। तो ये एक अभिषेक है जो कि हमारा उद्धार का कारण होते हैं। ये पहली बार नए नियम में आकर कब हुआ, जब हम यूहन्ना 20 देखते हैं, सुसमाचार यूहन्ना और उसका 20 खोल के पढ़ते हैं जी, 20 का 19 से शायद मैं पढ़ूंगा। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। ये कहकर 22 में लिखा, ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। तो ये है वो अभिषेक जो कि पहला अभिषेक में जैसे समझा रहा था, जिससे हमारा उद्धार होता है, हम प्रभु के साथ संगति कर लेते हैं और आत्मा में एक हो जाते हैं। दूसरा अभिषेक जो बाइबल को अध्ययन करने से समझ में आता है वो है याजक का अभिषेक। अर्थात हम पहले तो कोढ़ी थे, पापी थे, पापी पाप में से हटाकर हमको अब परमेश्वर से जोड़ दिया गया, अब हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, और अब याजक के रूप में अर्थात सेविकाई के रूप में हमारे को परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है। ये वो अभिषेक, ये कब हुआ, जब पवित्र आत्मा, जैसा कि प्रेरितों में लिखा था, जब परमेश्वर की आत्मा उन पे आकर उतरी और वो आत्मा से भर गए और वो अन्य भाषा बोलने लग गए, और वो फिर देखते हैं कि पतरस ने उसी दिन सेविकाई शुरू करी और 3,000 लोग प्रभु में आ गए। उसके बाद हम देखते हैं वो लोग चंगाई करने लगे, सब कुछ करने लगे। तो इसे बोलते हैं याजक का अभिषेक, जहाँ पे हम उस उद्धार पाने के बाद अब सेविकाई के लिए इस्तेमाल करने योग्य हो जाते हैं, और एक सामर्थ और बढ़कर हमारे अंदर होती है। तो पहले तो खाली पवित्र आत्मा, शुरुआत क्या करा, चेलों के साथ पवित्र आत्मा थी, फिर पवित्र आत्मा हमारे
हमारे अंदर आ गई उद्धार पाने के बाद, अब पवित्र आत्मा से हम परिपूर्ण होकर परमेश्वर के सेविकाई करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है ना, तो ये दूसरा जो अभिषेक है, जो याजक का अभिषेक है, और इसी के लिए याजक क्या करते थे, प्रभु की सेविकाई करते थे, तो ऐसी चीज हमारे अंदर देखी जाती है। तीसरा अभिषेक, और ये दूसरा अभिषेक जब दाऊद के जीवन में देखते हैं, तो वो भी पढ़ते हैं, ये आप खोलेंगे दूसरा सैम्यूल, मैं साथ खोलिए दूसरा सैम्यूल तीन, दूसरा सैम्यूल का तीन और ये वो अभिषेक था जिसके कारण दाऊद जो है वो जुड़ा ट्राइब के ऊपर राजा घोषित किया गया। ठीक है ना, यहूदा जो वंश, यहूदा का वंश के ऊपर वो एक राजा बनाया गया था। ये मेरे हिसाब से इसी में है, तीन का है, दूसरा सैम्यूल तीन में है। चलिए खैर चलते हैं आगे। ये दूसरा अभिषेक था जिसके द्वारा वो बनाया गया था। इसके जो तीसरी चीज, तीसरा अभिषेक जो है मैं बता रहा हूं, वो है राजा का अभिषेक। अर्थात वो एक ऐसा अभिषेक है जो बहुत सामर्थ्य है, जिसके द्वारा हम शैतान को बड़े आसानी से कुचल के, और ये चीज हम प्रेरितों में भी देखते हैं, प्रेरितों के चौथे अध्याय में देखते हैं, जब हम नीचे पढ़ेंगे इनको आखिरी आयतों में, यहाँ लिखा है 29 से पढ़ रहा हूं, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों का ये वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए, और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि जिन और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वे स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते थे। तो ये वो है अभिषेक, जब आपके विरुद्ध रेजिस्टेंस होता है और तब भी परमेश्वर के काम को करने के लिए परमेश्वर एक ऐसा अभिषेक उंडेलता है आपके ऊपर जिसके द्वारा ये काम कर सकते हो। इस चीज को आपने देखा होगा कि पतरस जब जेल में भी गया तो इस अभिषेक के कारण स्वर्गदूत आपके लिए बड़े आसानी से काम करने वाले हो जाते हैं। वो जेल में था और स्वर्गदूत आया और उसको छुड़ा कर ले गया। तो ये वो वाला अभिषेक है राजा का, और ये बड़ा एक मैं कहूंगा बड़ा तीव्र, इसके कारण आप देखते हैं बाद में जब पतरस की परछाइयों से और पौलुस के गमछों से दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी और लोग चंगे हो जाते थे। ये वो अभिषेक है जो एक विश्वासी और जो सेविकाई कर रहा है, और हम विशेषतर जब इन ऐसे कार्य को करने वाले होते हैं उसको प्राप्त करते हैं, ऐसे समय में प्राप्त करते हैं, और उस चीज को हम अभिषेक को इस्तेमाल कर सकते हैं परमेश्वर की सामर्थ्य कामों को करने के लिए। तो ये तीनों अभिषेक के बारे में आपको और अध्ययन करना चाहिए। पुराने नियम में भी ये था, ये एलिशा के ऊपर था, एलाइजा के ऊपर था ये अभिषेक जब वो काम करते थे। ऐसे समय में जब वो कुछ भी बोलते हैं तो वैसा ही हो जाता है। आपको ध्यान है पौलुस ने जब एक लड़की थी जो दुष्ट आत्मा से भरी हुई थी, वो परेशान कर रही थी, उसको सुसमाचार आगे बढ़ाने नहीं दे रही थी, तब उसने मुड़ा और उसने जोर से डांटा उसको, दुष्ट आत्मा निकल। एक और व्यक्ति था जो उसके पीछे लगा हुआ था, तो उसको लिटरली पौलुस ने कहा कि तू देख नहीं पाएगा, और वो काफी दिनों तक देख नहीं सका। तो ये वो अभिषेक है जब जो सुसमाचार को फैलाते वक्त लोग शैतानी ताकतें आकर आपका रुकावट करती है। ऐसे अभिषेक में कई बड़े सेवक भी चले हैं जो आप देखते हो कि लोगों के हाथ जो है उंगलियां बन जाती है, ऑर्गन्स बन जाती है, वो वाला अभिषेक है। राजाओं का अभिषेक बेसिकली वो अभिषेक है जो कि सामर्थ्य काम कर सकता है, जहां से आपके अंदर से पूर्ण रूप से विश्वास,
सामर्थ्य ढंग से कार्य कर सकता है। वचन को आप बोलते हैं और वैसा ही होने लगता है। ये अभिषेक में भी हमको चलना चाहिए और सीखना चाहिए और पाना चाहिए, ताकि हम एक जयवंत कलीसिया के रूप में परमेश्वर की सामर्थ्य को दिखाने वाले हो सके। तो ये अभिषेकों के बारे में एक छोटा सा मैंने आज ये अध्ययन आपको करके बताया कि इससे क्या क्या प्रकटीकरण होता है जब उद्धार पाते हैं। फिर उसके बाद हम याजक के रूप में परमेश्वर की सेविकाई शुरू कर सकते हैं, महान आज्ञाओं को पूरा कर सकते हैं, और फिर परमेश्वर जब हमको और ऊंचाई पे ले जाता है और अभिषेक से बड़े बड़े कामों को हम अपने जीवन में होता देखते हैं, चिन्ह चमत्कार बड़े आसानी से करने वाले जाते हैं। यही पर्पस है, यही एक कारण है कि इन अभिषेकों को समझना, इन अभिषेक में चलना सीखना चाहिए, और ताकि परमेश्वर की सामर्थ को हम लोगों के बीच में दिखा सकें और शैतानी ताकतों को उछल सकें। मैं आशा करता हूँ आज आप इस चीजों को समझें और इसको इस्तेमाल करेंगे इन वचनों के आधार पे। और इसी के साथ मैं इस अध्ययन को आज यहाँ समाप्त करता हूँ छोटी सी प्रार्थना से, फिर आपके कोई प्रश्न हो तो मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। प्रभु तेरा धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए खुदामन, इस समय के लिए जो तूने हमारे को दिया, ताकि हम अभिषेक के इस विषय में खुदामन समझ सके कि किस तरह से है और कैसे कार्य करता है और किस प्रकार के अभिषेक हैं जो लोगों के ऊपर तू डालता है और इस्तेमाल करता है। और इस सब एक उस पवित्र आत्मा के द्वारा ही संभव है खुदामन, क्योंकि बाइबल में लिखा है हमारे बल से नहीं, हमारे सामर्थ्य से नहीं, परंतु प्रभु की आत्मा के द्वारा ही संभव है। प्रभु की आत्मा ही हमारे अंदर अभिषेक है, और हम अभिषेकित होंगे तब परमेश्वर की सामर्थ्य को दर्शाने वाले होंगे। धन्यवाद देता हूँ खुदावन इस समय के लिए, इन सबको तेरे पवित्र लहू में ढांपता हूँ। जितने लोग जुड़े हैं खुदावन उन्हें आशीष बोलता हूँ, और इस वीडियो को जब हम रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालते हैं खुदावन, हम चाहते खुदावन और भी लोग जो आज नहीं सुन पाए इसको सुने और सीखें और समझें और आगे बढ़ते जाएं। प्रभु के नाम में मांगता हूँ, यीशु के नाम से धन्यवाद देता हूँ, आमीन।